हजूर वक्फ़ ना बच्चों की माँ होने की हैसियत से, दो वक्फ़ ना बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजूर, उनका रुझान लड़के हैं, उनका रुझान जामिया के अलावा, मतलब जामिया की तरफ तो हम रखते हैं कि तरबियत इस तरह की जाए कि दीनी तालीम साथ ठीक है, रखें ये इस। एक एक आप जिस तरह बड़ा होता है इनबॉर्न सलाहियतें होती हैं जी बच्चे के अंदर, जी रुझान किस तरह और रखें उसके बाद वो उसका एक नेचुरल एप्टीट्यूड होता है, जी उसके मुताबिक जिस तरह वो चलते हैं ना। जी अगर वो जामे में नहीं जाते तो जहाँ जाना चाहें उसके उधर जाएँ, लेकिन उनको ये रियलाइज़ करवाओ कि तुमने बहरहाल जमात की खिदमत करनी है, बिल्कुल और अपने आप को बेसिक बुनियादी चीज़ जो है तो अल्लाह से ताल्लुक़ तुम्हारा होना चाहिए, जमात से ताल्लुक़ आना चाहिए, और जमात तुम वक्फे ना हो तो जमात की खातिर तुम्हें हर कुर्बानी के लिए तैयार होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हजूर कोई आप करियर पाथ भी कोई बताते हैं कि उस तरफ अगर रुझान रखा जाए। तो कितनी दफ़ा बता चुका हूँ मैं, हर दफ़ा जी तुम्हें हर दफ़ा हर मीटिंग में यही बैठ के उठाता रहा हूँ, मैंने 7-8 जी बताए हुए कह रही है, तो जी हजूर बताए खुतबा सुनो, जी जी हजूर अभी कनाडा वाला खुतबा ही मेरा सुन लो, बिल्कुल तुम लोग सुन लो, उसको याद रखो, काफ़ी है तुम लोगों के लिए भी, हजूर का खुतबा जो वाकफी ने और नाव उससे के पहले मैं बानी। कई दफ़ा बता चुका हूँ, जी तुम्हारे इज्तिमा बता चुका जी हूँ, हजूर जी पिछले साल इज्तिमा बता चुका हूँ, फिर दोबारा इज्तिमा